हे गाइस, वेलकम बैक टू एडी लाइफ। सो आज हम लोग रूम छोड़ दिए हैं और टाइम था हमारे पास कुछ 11:30 की ट्रेन है वाराणसी का, तो हम लोग सोचे जाते हैं सरयू, वहाँ स्नान करेंगे और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे, देन वहाँ से हम लोग डायरेक्ट वाराणसी के लिए बैठेंगे ट्रेन। सो चलते हैं सरयू। और आज अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और आ ही रही पब्लिक, क्योंकि 14 कोसी यात्रा चालू होने वाली है, परिक्रमा जिसे बोलते हैं 14 कोसी। तो शाम तक यहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आप पीछे देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी सरयू की ओर। अभी आ चुका हूँ सरयू घाट पे। यहाँ पे एक लोग सामान पकड़ रहे हैं और मतलब एक लोग सामान का ध्यान रख रहे हैं और एक लोग नहा रहे हैं, दोनों सांस में नहीं आ रहे नहाने को, क्योंकि बंदर का डर है बहुत और कोई सामान संभाल नहीं रहा है, मेला का टाइम है। सो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, कुछ डुबकी लेते हैं और बस। काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है और यहाँ से अभी जो ई रिक्शा है स्टेशन जाने वाली वो भी बंद हो गई, क्योंकि बोल रहे हैं हर जगह रास्ता ब्लॉक हो गया, हमको कुछ 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा स्टेशन। तो चलते हैं और क्या। सो फाइनली अभी ट्रेन आई है, 2.5 घंटे लेट ट्रेन है हमारा, जो ट्रेन का टाइमिंग था 11:38 था और अभी 2:48 हो रहा है, 2.5 घंटा ऐसा कुछ लेट है। तो हम जो 4 बजे वहाँ पहुँचने वाले थे, अभी 6:30 पहुँचेंगे। अभी वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या कैसा प्लान है, पता नहीं। चलो पहुँचते हैं वाराणसी। फाइनली वेलकम टू वाराणसी। 3 घंटे लेट पहुँचे हम लोग। हमने सोचा था 4 बजे पहुँच जाएंगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हम लोग घूम लेंगे, बट अभी बज रहे कुछ 7:30। हल्की हल्की ठंडी सी लग रही थी इसलिए मैंने शॉल लिया है। अभी जाते हैं स्टेशन के बाहर और गरम गरम चाय पीते हैं, तब थोड़ी बुद्धि खुलेगी और आगे सोचने का करने का क्या है। तो चलते हैं स्टेशन के बाहर। काफ़ी बड़ा जंक्शन है, बहुत सारे लोग। मालूम तो है नहीं, थोड़ा खांसी आने लगी क्योंकि घूमते घूमते हो गई है जुकाम। देखते हैं अभी थोड़ा रुकने का भी व्यवस्था करेंगे, चाय जलपान हो जाए, दौर मज़ा आ जाए। चलो हम यहाँ आ तो गए हैं, बट हमारा कुछ बैकअप प्लान नहीं था, यहाँ आने का कुछ इरादा भी नहीं था और यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो अभी हम थोड़ा खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि रात हमारी है और हम कहीं भी घूमेंगे। ट्रेन भी लेट हो गई, अगर दिन में होता तो हम जा भी सकते थे इधर उधर। तो फिलहाल अभी हम खाना खाएंगे और फिर जहाँ हो हम निकलेंगे। चलो तो अभी हमारा भोजन और भजन दोनों हो चुका है और अभी हम सोच रहे हैं कि घाट की ओर जाते हैं एंड वहाँ पे सुकून से बैठ के प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर घाट है, हम लेंगे ई रिक्शा नहीं तो ऑटो और वहाँ पहुँचते हैं फिर और देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो
अभी हम थोड़ा पहले छोड़ेंगे कि बहुत ही पहले ई रिक्शा और जा रहे हैं दशा स्वामी घाट। और 10 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे। पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्जेस हैं यहाँ पर, तो आप भी आ सकते हो। इधर उधर देखते हुए जा रहा हूँ ताकि मॉर्निंग में ध्यान रहे, क्योंकि नाइट में जो हम देखते हैं वो मॉर्निंग में थोड़ा अलग अलग से रहता है। नाइट का व्यू अलग रहता है, मॉर्निंग का व्यू अलग रहता है। तो चले समाप्त हो जाता है, क्योंकि आगे से रास्ता बंद है। तो हमें यहाँ से अभी 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और फिर हम पहुँच जाएंगे घाट। चलते हैं घाट की ओर, प्रस्थान करते हैं और फिर आनंद लेते हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं ये दशा समेत घाट। ये है नाइट का व्यू। हाँ बहुत बढ़िया फोन किए थे ना।